गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अरिहंत पढ़ाकू। माय नेम इज वरुण एंड आई एम योर एजुकेटर। तो देखिए, आज हम लोग इस लेक्चर में क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं सिटिंग अरेंजमेंट का, यानी कि रीजनिंग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, सिटिंग अरेंजमेंट का फर्स्ट टाइप पे बेस्ड क्वेश्चन। तो सिटिंग अरेंजमेंट का सबसे फर्स्ट टाइप क्या होता है, वो होता है लीनियर अरेंजमेंट, यानी कि लोगों का एक लाइन में, एक पंक्ति में अरेंजमेंट। उस अरेंजमेंट पे हम लोग आज एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो देखिए, एक क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को पढ़िए और इसके जानकारी के हिसाब से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या है क्वेश्चन में, सिक्स फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एंड एफ आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। देखो, यहां से हमको क्या जानकारी मिली कि छह दोस्त हैं, यानी कि छह व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई एंड एफ, और वो एक लाइन में बैठे हुए हैं, यानी कि रो का मतलब एक लाइन, एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, और सबका चेहरा कहां पर है, नॉर्थ डायरेक्शन की ओर है। ऑल आर फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, सबका चेहरा नॉर्थ डायरेक्शन की ओर है। तो देखिए, हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, और क्योंकि छह व्यक्ति हैं तो हम लोग उस पर छह डॉट्स मार्क कर देते हैं। लाइन ड्रॉ की हम लोगों ने और छह व्यक्ति को रिप्रेजेंट करने वाले छह डॉट्स हम लोग मार्क कर देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, ये छह डॉट्स हैं। अब देखिए, हमको एक इंफॉर्मेशन और दी गई है, वो इंफॉर्मेशन क्या है, ऑल आर फेसिंग नॉर्थ, यानी कि सारे के सारे जो फ्रेंड्स हैं वो नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। तो हमको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम लोग एरो से इसको मार्क कर देते हैं। नॉर्थ डायरेक्शन देखिए, ये होती है ऊपर वाली डायरेक्शन, ये नॉर्थ होती है। तो देखिए, हम लोग क्या करेंगे, सब के ऊपर ऊपर वाली साइड पे एरो मार्क कर देते हैं, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। कभी कभी डायरेक्शन में कंफ्यूजन हो जाती है, तो अगर आप इसको पहले से ही मार्क करके चलते हैं, पहले से ही क्लियर करके चलते हैं, तो आपको वो कंफ्यूजन क्वेश्चन सॉल्व करते हुए नहीं आती है। तो हम लोगों ने क्या करा, एक लाइन बनाई रो, छह पॉइंट्स उस पर मार्क किए, और सबकी जो फेसिंग है इट इज टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, उनकी फेसिंग क्या हो गई, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ हो गई। अब देखिए, अब हम लोग प्लॉट करना शुरू करते हैं कि कौन सा व्यक्ति कहां बैठा है। इस इंफॉर्मेशन को पढ़ के आप अंदाजा लगाएंगे कि किस किस तरीके से हम लोग व्यक्तियों को बिठाते हैं। देखिए, सी इज सिटिंग बिटवीन ई एंड ए, सी जो है वो ई और ए के बीच में बैठा हुआ है। डी इज नॉट एट द एंड, डी दोनों में से किसी भी एंड पे नहीं है। देखिए, डी इन दोनों एंड में से किसी भी एंड पे नहीं होगा, ना तो राइट हैंड पे ना ही लेफ्ट हैंड पे। तो हम लोग जानते हैं कि ये क्या होता है, ये डायरेक्शन आपकी राइट होती है और ये डायरेक्शन आपकी लेफ्ट होती है। दिस डायरेक्शन इज राइट, दिस डायरेक्शन इज लेफ्ट। व्हेन ऑल द पर्सन आर सिटिंग फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, देन दिस इज राइट एंड दिस इज लेफ्ट। तो अब देखिए क्या बोला गया कि डी इज नॉट एट द एंड, डी दोनों में से किसी भी एंड पे नहीं हो सकता, ना तो यहां पर ना तो यहां पर, डी बाकी चारों पोजीशन में से कहीं पर भी हो सकता है। ये आपको क्लियर है। नेक्स्ट, बी इज सिटिंग एट इमीडिएट राइट ऑफ ई, बी जो है वो एकदम ई के राइट पे बैठा हुआ है। बी इज सिटिंग एट द इमीडिएट राइट ऑफ ई, बी जो है वो ई के इमीडिएट राइट पे बैठा हुआ है। एफ इज नॉट एट द राइट एंड, एफ जो है वो राइट एंड पे नहीं है। ध्यान से देखिए, एफ जो है वो राइट एंड पे नहीं है। देखिए, राइट एंड पे नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि लेफ्ट एंड पे नहीं हो सकता, वो सिर्फ राइट एंड पे ही नहीं है, हो सकता है वो लेफ्ट हैंड पे हो। क्लियर है आपको, सिर्फ यही इंफॉर्मेशन दी गई है कि वो राइट एंड पे नहीं है। नेक्स्ट, डी इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, डी जो है वो है थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई। तो इंफॉर्मेशन आपको क्लियर होगी। अब इसी इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए हम लोग सारी चीजें प्लॉट करते हैं। क्या करते हैं, सारी चीजें प्लॉट करते हैं। तो हम लोग इसमें कुछ तरीके लगाते हैं कि हम लोग बार बार कुछ प्रोबेबिलिटीज लगा के या पोजीशंस को बार बार चेंज करके देखते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के देखते हैं कि किस तरीके से हमारे अरेंजमेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी देखते हैं कि यहां पर वो बैठ सकता है, वहां पर वो बैठ सकता है, चांसेस देखते हैं कि यहां पर वो आ सकता है, वहां पर वो नहीं आ सकता। तो देखिए हम लोग कैसे देखते हैं एक बारी में, कि हमको ये तो पता है कि डी जो है वो एंड पे नहीं है, यानी कि डी इन चारों पोजीशन में से किसी एक पे होगा। ठीक है, अगली है, डी इज सिटिंग थर्ड लेफ्ट ऑफ ई, डी जो है वो ई के थर्ड लेफ्ट पे है, डी जो है वो ई के थर्ड
लेफ्ट पे है, और क्या है, सी इज सिटिंग बिटवीन ई एंड ए, सी इज सिटिंग बिटवीन ई एंड ए। तो जरा ध्यान से देखिए, सी ई और ए के बीच में बैठा है। अगर हम लोग एक काम करते हैं, ए को यहां प्लॉट करें, सी को यहां प्लॉट करें और ई को यहां प्लॉट करें, क्योंकि हमें यह तो पता है कि ई एंड पे नहीं है, ठीक है। अगर हम लोग सी ए सी ई ऐसे प्लॉट करते हैं तो हमारी एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है, वो क्या होती है, सी इज बिटवीन ई एंड ए, सी इज बिटवीन ई एंड ए, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, डी इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, डी जो है वो ई के थर्ड टू द लेफ्ट। अगर ई यहां पर है तो लेफ्ट कहां है, इस डायरेक्शन में। अगर ई यहां पर है तो वन टू थ्री, तो यहां पर क्या बैठा हुआ है, ध्यान से देखिए, डी इज सिटिंग थर्ड लेफ्ट ऑफ ई, तो लेफ्ट ई के थर्ड लेफ्ट वन टू थ्री, यानी कि यहां पर कौन बैठा होगा, डी बैठा होगा। यहां तक आपको क्लियर है? अब जरा ध्यान दीजिए, अब दो व्यक्ति हमारे और बचे हुए हैं, वो दो व्यक्ति क्या है, बी और एफ, क्योंकि ए सी डी ही हम लोग प्लॉट कर चुके, बी और एफ बचा हुआ है। यहां पर क्लियरली गिवन है कि बी इज सिटिंग एट द इमीडिएट राइट ऑफ ई, ई के इमीडिएट राइट पे कौन बैठा है, बी बैठा है, बी इज सिटिंग एट द इमीडिएट राइट ऑफ ई। यहां पर ई है तो यहां पर क्या होगा, बी होगा, यहां पर ई है तो यहां पर क्या होगा, बी, क्योंकि बी इज सिटिंग एट द इमीडिएट राइट ऑफ ई। यहां तक आपको क्लियर होगा? अब जरा नेक्स्ट पार्ट देखिए, अब ए की पोजीशन बची है और ए की व्यक्ति बचा है, कौन सा व्यक्ति है वो, एफ। तो एफ इज नॉट एट द राइट एंड, एफ राइट एंड पे नहीं है, लेकिन ए की पोजीशन बची है, यानी कि एफ यहां पर होगा, यानी कि एफ कहां होगा, वो लेफ्ट मोस्ट एंड, यानी कि लेफ्ट एंड पे होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको प्लॉट किया, बहुत इजी है इसको प्लॉट करना। इंफॉर्मेशन पढ़िए, हल्का सा एनालाइज कीजिए और इसको प्लॉट कीजिए। देखिए अब ये हमारा प्लॉट तो हो गया, लेकिन प्लॉट करने के बाद हम लोगों को इसको वेरीफाई करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सारी की सारी कंडीशंस वेरीफाई हो रही हैं कि नहीं हो रही। कभी कभार क्या होता है, इसकी दो तीन पॉसिबिलिटीज भी बन जाती हैं, इसलिए इसको इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। अब जरा देखिए, सिक्स फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एंड एफ आर सिटिंग इन अ रो, ठीक है, छह लोग हैं एक रो में बैठे हैं फेसिंग नॉर्थ, वो नॉर्थ को फेस कर रहे हैं। सी इज सिटिंग बिटवीन ई एंड ए, सी इज सिटिंग बिटवीन ई एंड ए, ये भी हमको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। डी इज नॉट एट द एंड, डी किसी भी एंड पे नहीं है, ये भी एग्जैक्टली क्लियर है, डी किसी भी एंड पर हमारा नहीं आ रहा है। बी बी इज सिटिंग एट इमीडिएट राइट ऑफ ई, E के इमीडिएट राइट पर B बैठा हुआ, राइट इधर है और एकदम राइट पे कौन बैठा हुआ, E के B बैठा हुआ, ये कंडीशन भी हमारी वेरीफाइड। F इज नॉट एट द राइट एंड, F जो है वो राइट एंड पे नहीं है, तो ये राइट हैंड है, राइट एंड है और इस पे F हमारा नहीं है, तो F यहां पर बिल्कुल भी नहीं है, तो ये हमारी कंडीशन वेरीफाइड। D इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ E, D इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ E, ये E है, इसके थर्ड लेफ्ट क्या है, वन टू थ्री, क्योंकि लेफ्ट तो यहां पर है और E के थर्ड लेफ्ट वन टू थ्री, सो D इज सिटिंग थर्ड लेफ्ट ऑफ E, तो ये कंडीशन भी हमारी वेरीफाई। इसका मतलब हम लोगों ने जो प्लॉट किया है पोजीशंस छह व्यक्तियों की लीनियर अरेंजमेंट में, वो एकदम सही है। जब एक बार आप प्लॉट कर लेते हैं, उसके बाद जो सेट ऑफ क्वेश्चंस उसमें होते हैं, चाहे तीन क्वेश्चन का सेट हो, चार का हो, पांच का, और कभी कभार एक क्वेश्चन भी आ जाता है, तो उसको हम लोग बहुत इजिली सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन ए हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन ए क्या है, हाउ मेनी पर्संस आर देयर टू द राइट ऑफ डी, यानी कि डी के राइट में कितने व्यक्ति बैठे हैं, डी के राइट में कितने व्यक्ति बैठे हैं। देखिए डी ये है और डी के राइट में कितने व्यक्ति हैं, एक दो तीन चार, यानी कि डी के राइट में कितने व्यक्ति हैं, फोर व्यक्ति हैं, सो आंसर क्या आएगा, फोर पर्संस, यानी कि डी के राइट में कितने व्यक्ति बैठे हैं, देखो डी का राइट यहां पर है वन टू थ्री फोर, तो डी के राइट में चार व्यक्ति बैठे हैं, फोर पर्सन बैठे हैं, ठीक है। क्वेश्चन बी, हु इज एट द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, सी के इमीडिएट लेफ्ट पे कौन बैठा है, यानी कि सी के एकदम लेफ्ट पे कौन बैठा हुआ है। देखिए ये सी है, सी के एकदम लेफ्ट पे कौन है, ए, क्लियरली आपको डायग्राम से विजिबल है कि सी के एकदम लेफ्ट पे क्या है, ए है, तो देखिए क्या होगा, इसका आंसर होगा ए, कि हु इज एट द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, तो सी के इमीडिएट लेफ्ट पे कौन है, ए है, तो आपने प्लॉट कर लिया ये ए। नेक्स्ट देखिए, हु इज एट द राइट एंड, कि इस लाइन के, इस रो के एकदम राइट एंड पे कौन है, राइट एंड क्या है, जे राइट एंड है, तो राइट एंड पे कौन व्यक्ति बैठा हुआ है, राइट एंड पे बैठा है व्यक्ति बी, तो यानी कि सी पार्ट का आंसर होगा बी। यहां तक आप लोगों को क्लियर है?
तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, जब भी आपके पास सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आता है तो आप उसकी इंफॉर्मेशन को ध्यान से पढ़िए, ठीक है। पढ़ने के बाद आप थोड़ा बहुत उसको एनालाइज करें और पहले तो ये मार्क कर लें कि वो लीनियर अरेंजमेंट है, नंबर ऑफ पर्सन की जगह पर नंबर ऑफ डॉट्स मार्क करिए, उनकी फेसिंग को मार्क कीजिए, और उसके बाद इंफॉर्मेशन पढ़ते पढ़ते धीरे 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 आप जब उसको पढ़ के ध्यान से समझेंगे तो सारे के सारे व्यक्ति अपने आप प्लॉट होते चले जाएंगे, उनकी पोजीशंस अपने आप प्लॉट होती चली जाएंगी। और एक बार आपने इसको कंप्लीट कर लिया प्लॉटिंग को, उसके बाद वेरीफाई जरूर कीजिए ताकि आप इसको गलत ना बना लें। तो एक बार वेरीफाई किया उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद उसके ऊपर जो क्वेश्चंस होते हैं उस इस डायग्राम के बेस पे जो आप अरेंजमेंट बनाते हैं उस अरेंजमेंट के बेस पे उन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और वही आपका आंसर होता है। आई होप आपको आप सबको ये क्लियर होगा लीनियर अरेंजमेंट पे बेस्ड क्वेश्चन। आज हम लोग पढ़ रहे हैं सिटिंग अरेंजमेंट का सेकंड टाइप जो कि है सर्कुलर अरेंजमेंट, उस पे बेस्ड एक क्वेश्चन। तो हम लोग इस लेक्चर में ये देखेंगे कि सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट पे जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में उसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट का, तो हम लोग ये क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं कि इन क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, ए बी सी डी ई एफ एन जी आर प्लेइंग कार्ड सिटिंग इन अ सर्कल। तो जब हम क्वेश्चन की पहली स्टेटमेंट देखते हैं ए बी सी डी ई एफ एंड जी, ये व्यक्ति हैं जो कि एक सर्कल में बैठ के कार्ड्स खेल रहे हैं। तो देखिए इससे आपको दो इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है, देखिए इस सेंटेंस से आपको दो इन्फॉर्मेशन मिलती है। पहली इन्फॉर्मेशन कि कुल व्यक्ति कितने हैं, कितने लोग हैं जो कार्ड्स खेल रहे हैं, टोटल 7 लोग हैं, ए बी सी डी ई एफ एंड जी, यानी कि टोटल 7 लोग हैं जो कार्ड्स खेल रहे हैं। और दूसरी इन्फॉर्मेशन वो सर्कल में बैठे हुए हैं यानी कि एक व्रत की फॉर्म में बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब अगर 7 व्यक्ति कार्ड्स खेल रहे हैं, कार्ड्स खेलने का मतलब क्या है कि यहां से एक जानकारी आपको और मिलती है कि उन सभी व्यक्तियों का जो मुख है, उन सभी व्यक्तियों का जो फेस है वो कहां है, सेंटर की ओर है, सर्कल के केंद्र की ओर है, सेंटर की ओर है, तभी तो वो कार्ड खेल पाएंगे, ठीक है। तो पहले सेंटेंस से आपको दो इन्फॉर्मेशन मिली, पहली इन्फॉर्मेशन कि 7 व्यक्ति हैं, 7 सर्कल में बैठ के कार्ड्स खेल रहे हैं और सभी का मुख जो है वो वृत्त के केंद्र की ओर यानी कि सर्कल के सेंटर की ओर है। तो सबसे पहले बहुत इजी कि हम लोग एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, सॉल्यूशन करते हुए हम लोग ये ध्यान रखेंगे सबसे पहले हमको सर्कल ड्रॉ करना है, और क्योंकि हमारे पास 7 व्यक्ति हैं तो सर्कल के ऊपर 7 डॉट मार्क कर लेंगे हम लोग, 7 डॉट, 1 2 3 4 5 6 7। तो हम लोगों ने क्या किया, सर्कल के ऊपर 7 डॉट्स मार्क कर लिए, और ये डॉट्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये डॉट्स उन कार्ड्स खेलने वाले व्यक्तियों की पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोगों ने सर्कल पे क्या किया, 7 डॉट्स मार्क कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन उससे पहले हमको एक चीज और देखनी है कि हम लोगों ने ये तो पता कर लिया था कि 7 व्यक्ति हैं और जो सेंटर की ओर फेस कर रहे हैं, तो एक चीज आप ध्यान रखिए कंफ्यूजन से बचने के लिए कि इन सबको सेंटर की ओर पॉइंट करवा के एरो लगा दीजिए, ठीक है। तो क्या होगा, सभी के सभी व्यक्ति कहां पर फेस कर रहे हैं, सर्कल के सेंटर की ओर, तो हम इनवर्स एरो लगा देंगे। इनवर्स एरो का मतलब सेंटर की तरफ एरो लगा देंगे ताकि क्वेश्चन करते हुए आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो डायरेक्शन आप इनवर्स की तरफ उसको मार्क कर देंगे विद द हेल्प ऑफ एरोस। अब जरा देखिए आगे हम लोग इंफॉर्मेशन पे चलते हैं। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है एफ इज सेकंड टू द राइट ऑफ जी, कि जो एफ व्यक्ति है वो जी के राइट के सेकंड पोजीशन पे है, जी के राइट के सेकंड पोजीशन पे। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहां पर कहीं पर भी जी मार्क कर देते हैं, कहीं पर भी जी मार्क कर देते हैं। सपोज कीजिए हमने यहां पर जी मार्क कर दिया कि ये जो जी व्यक्ति है वो इस पॉइंट पर बैठा है, यहां पर बैठा है। हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जब सभी व्यक्ति सेंटर के अंदर यानी कि सेंटर की तरफ फेस करके बैठे होते हैं तो क्या होता है, ये वाली डायरेक्शन राइट होती है और ये वाली डायरेक्शन लेफ्ट होती है, यानी कि काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन राइट होती है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेफ्ट डायरेक्शन होती है। काउंटर क्लॉकवाइज इज राइट एंड क्लॉकवाइज इज लेफ्ट। यहां तक आपको क्लियर हो गया, हम लोगों ने कॉन्सेप्ट में समझा भी था, ठीक है। तो अब देखिए
इंफॉर्मेशन क्या थी, एफ इज सेकंड टू द राइट ऑफ जी, एफ जो है जी के सेकंड राइट पर है, एफ जो है वो जी के सेकंड राइट पर है, ठीक है, एफ जो है वो जी के सेकंड राइट पर है। तो हम लोग ध्यान से देखेंगे जी के राइट क्या है, जी के राइट डायरेक्शन ये है, क्योंकि हमारा जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ये क्या, सॉरी काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ये क्या है, ये राइट है। तो जी के सेकंड राइट पर एफ है, तो अगर जी यहां पर है तो 1 2 यानी कि सेकंड राइट पर क्या होगा, एफ होगा। तो हम लोगों ने एफ की पोजीशन को भी पता लगा लिया, एफ की पोजीशन को भी ज्ञात कर लिया। कैसे, पहले हम लोगों ने जी को मार्क किया और जी के सेकंड टू द राइट क्या है, एफ। सो जी के एफ इज अ सेकंड टू द राइट ऑफ जी, तो मैंने यहां पर एफ मार्क कर दिया, ठीक है। अब और इंफॉर्मेशन देखते हैं, बी इज नेबर ऑफ एफ बट नॉट ऑफ ई। बी जो है वो एफ का नेबर तो है लेकिन वो किसका, ई का नेबर नहीं है। नेबर क्या होते हैं, जो साथ साथ में बैठे होते हैं, है ना, जो बिल्कुल इमीडिएट लेफ्ट और इमीडिएट राइट में बैठे होते हैं, यानी कि एकदम राइट या एकदम लेफ्ट में एक दूसरे के बैठे होते हैं, वो क्या होते हैं, नेबर्स यानी कि पड़ोसी। तो दूसरी इंफॉर्मेशन क्या थी कि बी इज नेबर ऑफ एफ, कि बी एफ का नेबर तो है बट नॉट ऑफ ई, लेकिन वो ई का नेबर नहीं है। चलिए इस इंफॉर्मेशन को हम लोगों ने पढ़ लिया, हम लोग आगे देखते हैं। ई द नेबर ऑफ सी इज 4 टू द राइट ऑफ जी। ई क्या है, सी का नेबर है। ई क्या है, ई इज अ नेबर ऑफ सी, ई सी का नेबर है एंड 4 टू द राइट ऑफ जी, और जी के 4 टू द राइट है। तो इसका मतलब ई जो है वो जी के 4 टू द राइट होगा। अब देखिए जी यहां पर है, जी का राइट ऐसे है और जी के राइट के फोर्थ 1 2 3 4, यानी कि यहां पर क्या लाई करेगा, ई लाई करेगा, क्योंकि यही हमारे स्टेटमेंट में था, ई द नेबर ऑफ सी इज 4 टू द राइट ऑफ जी। ई क्या था, जी के फोर्थ राइट में था, इसका मतलब जी का राइट इस डायरेक्शन में है काउंटर क्लॉकवाइज, सो 1 2 3 4 यहां पर ई हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज गिवन थी हमको कि ई इज अ नेबर ऑफ सी, ई जो है वो सी का नेबर है, यानी कि ई और सी साथ साथ में बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब सी या तो यहां पर हो सकता है, सी या तो यहां पर हो सकता है। यहां तक आपको क्लियर है, सी या तो यहां पर हो सकता है, सी या तो यहां पर हो सकता है, ठीक है। अब जरा हम लोग नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखते हैं, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन जरा देखिए, डी इज बिटवीन ई एंड ए, कि डी जो है वो ई और ए के बीच में बैठा हुआ है, डी जो है वो ई और ए के बीच में बैठा है। तो यहां से देखिए, ई हमारा यहां पर है, यहां पर एफ आ चुका है, यानी कि यहां पर ए होगा और यहां पर डी होगा, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। कंडीशन क्या कहती है, डी इज बिटवीन ई एंड ए, कि डी जो है वो ई और ए के बीच में आ गया, तो ये कंडीशन भी आपकी सेटिस्फाई हो गई। अब हमारी दो पोजीशंस बची हैं और दो ही व्यक्ति बचे हैं, दोनों व्यक्ति कौन से हैं, बी और सी, और पोजीशंस क्या बची हैं, पोजीशन ये दो पोजीशन बची है। अब देखिए बी और सी को हम लोग कैसे फिलअप करते हैं, बी की कंडीशन हमको दी गई थी, बी इज अ नेबर ऑफ एफ बट नॉट ऑफ ई। बी जो है वो एफ का नेबर तो है लेकिन ई का नेबर नहीं है, यानी कि बी एफ के साथ तो आ सकता है लेकिन ई के साथ वो नहीं आ सकता। सो बी इज अ नेबर ऑफ एफ बट नॉट इज द नेबर ऑफ ई। तो ऑब्वियस ही बात है, अब ये एक पोजीशन बच गई, तो इस पोजीशन में क्या आएगा, बचा हुआ व्यक्ति, और कौन सा व्यक्ति बचा हुआ है, वो सी बचा हुआ है। यहां तक क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोगों ने सर्कुलर अरेंजमेंट को पूरा किया। कैंडिडेट्स एक चीज का और ध्यान रखेंगे कि सर्कुलर अरेंजमेंट बनाने के बाद आप एक बार इसको क्रॉस चेक भी कर लेंगे 1-2 मिनट देकर, क्योंकि अगर आप क्रॉस चेक नहीं करेंगे तो हो सकता है कि कुछ मिस्टेक हो, तो सारी कंडीशंस को वापस क्रॉस चेक करना जरूरी होता है ताकि आप बिल्कुल 100% श्योर हो जाएं कि आपने जो अरेंजमेंट बनाया है वो बिल्कुल ठीक है। तो देखिए हम लोग भी देख लेते हैं, एफ इज सेकंड टू द राइट ऑफ जी, एफ इज सेकंड टू द राइट ऑफ जी, बी इज नेबर ऑफ एफ बट नॉट ऑफ ई। बी जो है वो एफ का नेबर है लेकिन ई का नेबर नहीं है, तो ये कंडीशन भी ठीक है। ई द नेबर ऑफ सी इज 4 टू द राइट ऑफ जी, ई जो है वो सी का नेबर है और जी के फोर्थ राइट पे, 1 2 3 4 फोर्थ राइट पे है, ये कंडीशन भी आपकी सही है। डी इज बिटवीन ई एंड ए, डी इज बिटवीन ई एंड ए, डी जो है ए और ए के, ई और ए के बिटवीन में है, ठीक है, तो ये भी कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड है। इसका मतलब आपने जो स्टेटमेंट देखकर जो अरेंजमेंट बनाया वो एकदम सही है। अब हम एक बार आप लोगों, आपने जब इसका अरेंजमेंट बना लिया उसके बाद आपको बस जो सेट ऑफ क्वेश्चन दे रखे होते हैं, चाहे 3 हो 4 हो, तो उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, फिर बहुत ईजी हो जाता है आपका सॉल्व करना। देखिए क्वेश्चन ए हम लोग देखते हैं इस स्टेटमेंट पे बेस्ड, यानी कि इस क्वेश्चन पे बेस्ड।
वो इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ जी, यानी कि जी के फोर्थ लेफ्ट पर कौन है। ध्यान से देखिए, जी यहां पर है, जी के लेफ्ट क्या है, इस तरीके से जी का लेफ्ट चलेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि लेफ्ट कैसे चल रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो हु इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ जी, जी के फोर्थ लेफ्ट में कौन है, जी का लेफ्ट में ये है 1 2 3 4, तो जी के फोर्थ लेफ्ट में कौन है, जी के फोर्थ लेफ्ट में सी है, तो यानी कि ए का आंसर क्या हो गया, सी, बिकॉज सी इज अ फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ जी, क्योंकि लेफ्ट ऐसे चल रहा है, तो जी के फोर्थ लेफ्ट 1 2 3 4, तो जी के फोर्थ लेफ्ट में कौन है, जी के फोर्थ लेफ्ट में सी है। यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब जरा सेकंड क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन बी देखते हैं। क्वेश्चन बी क्या है, हु इज एट द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, कि जी के इमीडिएट लेफ्ट पे यानी कि जी के एकदम लेफ्ट साइड पे कौन है, जी के एकदम लेफ्ट साइड पे कौन है। देखिए ये जी है, ठीक है, लेफ्ट कैसे होगा, ऐसे हम लोग देखेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो जी के इमीडिएट लेफ्ट यानी कि जी के इमीडिएट लेफ्ट पे क्या है, जी के इमीडिएट लेफ्ट पे ए है, तो यानी कि जी के इमीडिएट लेफ्ट पे ए है, तो आंसर क्या आएगा, ए, आंसर क्या आएगा, ए, कि ए इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, ए जो है वो जी के इमीडिएट लेफ्ट पे है, तो ये भी आपका हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन सी देखते हैं। क्वेश्चन सी क्या है, हु आर द नेबर्स ऑफ एफ, कि एफ के पड़ोसी कौन है, एफ के नेबर्स कौन है। मैंने आपको बताया था नेबर्स कौन होते हैं, जो बिल्कुल पास पास में बैठे होते हैं, यानी कि एक दूसरे के लेफ्ट और राइट में बैठे होते हैं। तो मुझे ये बताना है कि एफ के नेबर्स कौन है, यानी कि एफ के लेफ्ट में और एफ के राइट में कौन से व्यक्ति बैठे हैं। तो ध्यान से देखिए, एफ के लेफ्ट में बैठा है बी और एफ के राइट में बैठा है सी, यानी कि एफ के नेबर्स क्या हो गए, क्योंकि एफ के लेफ्ट में बी बैठा है, एफ के राइट में सी बैठा है, तो एफ के नेबर्स क्या हो गए, बी एंड सी। तो मतलब सी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी एंड सी, कि एफ के दो पड़ोसी यानी कि दो नेबर्स क्या हुए, बी और सी, क्योंकि दोनों एफ के लेफ्ट और राइट में बैठे हैं, और पड़ोसी नेबर्स क्या होते हैं, जो एकदम साथ साथ में बैठे होते हैं लेफ्ट और राइट में। तो इस तरीके से हम लोग सर्कुलर अरेंजमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और एक बार आपने अरेंजमेंट बना लिया तो उसके बाद जितने भी क्वेश्चन उसके ऊपर हो, 4-5 क्वेश्चन का भी कभी कभी सेट आ जाता है, तो उसमें आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी सॉल्व करने में। तो पहला काम क्या होता है कि आप अरेंजमेंट को डीकोड करके उस अरेंजमेंट को बना लेंगे, सर्कुलर अरेंजमेंट को, और एक बार अगर आपने अरेंजमेंट बना लिया उसके बाद कितने भी सेट ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। लेकिन एक चीज को आपको ध्यान रखना है कि एक बार अरेंजमेंट बनाने के बाद आप उसको क्रॉस चेक जरूर करें, ताकि आप डबली श्योर हो जाएं कि हम लोग बिल्कुल अच्छे से श्योर हो गए कि हमारे क्वेश्चन में कोई भी मिस्टेक नहीं है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं सिटिंग अरेंजमेंट का थर्ड टाइप और उस पर एक बेस्ड क्वेश्चन। तो सिटिंग अरेंजमेंट का थर्ड टाइप हमारा है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। क्या है ये, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। तो हम रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट पे बेस्ड एक क्वेश्चन आज सॉल्व करना सीखेंगे। तो देखिए वो क्वेश्चन क्या है आपके बोर्ड पे, ए बी सी एंड डी आर प्लेइंग कार्ड सिटिंग अराउंड अ रेक्टेंगुलर टेबल। ए बी सी एंड डी, ये चार व्यक्ति हैं जो कार्ड्स खेल रहे हैं एक रेक्टेंगुलर टेबल के चारों ओर बैठकर, ठीक है। तो हमको यहां से दो जानकारियां मिल जाती हैं कि ए बी सी डी ये चार व्यक्ति हैं और ये क्या खेल रहे हैं, कार्ड्स खेल रहे हैं रेक्टेंगुलर टेबल के चारों ओर बैठ के। देखिए अगर कार्ड्स खेला जाएगा तो आमने सामने ही बैठ के खेला जाएगा, इसका मतलब यहां से एक इंफॉर्मेशन हमको और पता लग गई कि इन सबका जो सेंटर है, सॉरी इन सबका जो फेस है वो कहाँ है, वो सेंटर की ओर है। इन सबका जो फेस है वो कहाँ होगा, वो टेबल के सेंटर की ओर होगा। तो पहले सेंटेंस से हमको क्या इंफॉर्मेशन मिली कि चार व्यक्ति हैं ए बी सी और डी, ये एक टेबल के चारों ओर बैठे हुए हैं और इनका जो चेहरा है, जो फेस है, वो टेबल के सेंटर की ओर है। तो इसका मतलब हमको क्या बनाना है, हमको एक रेक्टेंगुलर टेबल बनाना है। तो हम लोगों ने एक रेक्टेंगुलर टेबल बना लिया, ठीक है। तो ये हमारा टेबल बन गया। अब जरा ध्यान से देखिए, चार व्यक्ति हैं ए बी सी डी, ठीक है। हम जानकारी को और आगे पढ़ते हैं, इंफॉर्मेशन को और पढ़ते हैं। पर्सन आर सिटिंग एट द मिडल ऑफ ईच साइड। अब रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो, चार साइड ही होती है उसकी। तो इन्होंने बोला ये चारों के चारों व्यक्ति उन चारों साइड्स के मिडल में बैठे हैं, यानी कि उन चारों साइड्स के एग्जैक्टली बीच में बैठे हैं, यानी कि
हम पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं इस तरीके से, तो वो क्या है, चारों के चारों व्यक्ति चारों साइड्स के मिडल में यानी कि सेंटर में बीच में बैठे हुए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इस तरीके से बैठेंगे। अगर कॉर्नर्स में दिया जाता कि वो कॉर्नर्स में बैठे हुए हैं तो हम चारों व्यक्तियों को यहाँ कॉर्नर्स पे बिठा देते, लेकिन हमको मिडल में गिवन था। तो सेकंड इन्फॉर्मेशन से हमको ये पता लग गया कि चारों व्यक्ति टेबल के साइड्स के मिडल में बैठे हुए हैं। देखिए ए एंड सी एंड बी एंड डी आर पार्टनर्स। देखिए पार्टनर्स का मतलब क्या होता है, जो आमने सामने बैठ के खेलते हैं। ए एंड सी एंड बी एंड डी आर पार्टनर, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए के सामने सी बैठा होगा और बी के सामने डी बैठा होगा। ए एंड सी एंड बी एंड डी आर पार्टनर्स यानी कि ए के सामने सी और बी के सामने डी बैठा होगा। तो ये इंफॉर्मेशन आपको यहां से क्लियर हो जाती है। तो ये तो पता लग गया कि ए के सामने सी और बी के सामने डी बैठा होगा। अब जरा नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखते हैं, डी इज टू द राइट ऑफ सी। डी जो है वो सी के राइट में बैठा हुआ है, डी जो है वो सी के राइट में बैठा हुआ है, ये भी इन्फॉर्मेशन एकदम सही है। अब हम लोग, ये भी आपको समझ में आ गई होगी इन्फॉर्मेशन। अब जरा लास्ट इन्फॉर्मेशन देखिए, द फेस ऑफ सी इज टुवर्ड्स द वेस्ट। जो सी का फेस है वो वेस्ट की ओर है। जरा ध्यान से देखिए, अगर ये चारों के चारों व्यक्ति जो टेबल के चारों साइड्स के मिडल में बैठे हुए हैं और इनका फेस कहाँ है, इनका फेस है टेबल के सेंटर की ओर, तो यानी कि हम लोग इनकी जो फेसिंग है वो इस तरीके से कर देते हैं, क्योंकि ये सेंटर की ओर फेस कर रहे हैं, तो हम लोग इस तरीके से फेसिंग इनकी कर देते हैं, एरो मार्क कर देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब जरा देखिए, अब क्या बोला है इन्होंने, द फेस ऑफ सी इज टुवर्ड्स वेस्ट। सी का जो फेस है वो वेस्ट की ओर है। यहां पर हम लोगों ने डायरेक्शंस को प्लॉट कर रखा है, दिस इज नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। ये नॉर्थ है, साउथ डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन है, वेस्ट डायरेक्शन, और हमको गिवन क्या है, हमको गिवन है द फेस ऑफ सी इज टुवर्ड्स वेस्ट। सी का जो फेस है वो वेस्ट की ओर है, सी का जो फेस है वो वेस्ट की ओर है, यानी कि सी कहां पर होगा, सी यहां पर होगा, क्योंकि सी की फेसिंग वेस्ट की ओर है, वेस्ट डायरेक्शन आपकी ये है और सी का फेस कहां है, वेस्ट की ओर, तो सी कहां होगा, सी यहां पर होगा। यहां तक आपको क्लियर हो गया, सी यहां पर होगा। अब देखिए सी की पोजीशन पता लग गई, अब धीरे धीरे हमको सबकी पोजीशन पता लग जाएगी। ये इंफॉर्मेशन देखिए, ए एंड सी एंड बी एंड डी आर पार्टनर्स, यानी कि ए एंड सी आर पार्टनर्स। ध्यान से देखिए, अगर ए एंड सी पार्टनर्स हैं, और मैंने आपको बताया था पार्टनर्स क्या होते हैं कार्ड्स के गेम में, जो आमने सामने बैठते हैं, यानी कि अगर यहां पर सी बैठा है और सी का पार्टनर ए है, तो ए कहां बैठा होगा, ए बैठा होगा सी के सामने, यानी कि अगर ए और सी पार्टनर्स हैं तो ए और सी क्या होंगे, सामने सामने बैठे होंगे। सबसे पहले हम लोगों ने सी का पता लगा लिया कि सी की डायरेक्शन कहां है, वेस्ट की ओर, तो सी की डायरेक्शन यहां पर है वेस्ट की ओर। ए और सी पार्टनर्स है यानी कि सी और ए दोनों के दोनों आमने सामने बैठे होंगे, तो ए और सी हम लोगों ने इस तरीके से प्लॉट कर दिया। अब देखिए आगे क्या प्लॉट होता है, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, डी इज टू द राइट ऑफ सी। डी क्या है, सी के राइट में है। देखिए जब सेंटर को सारे के सारे पीपल, सारे के सारे लोग सेंटर को फेस कर रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है ये डायरेक्शन क्या हो जाती है, ये डायरेक्शन हो जाती है राइट, और ये डायरेक्शन क्या हो जाती है, ये डायरेक्शन हो जाती है लेफ्ट, यानी कि क्लॉकवाइज हो जाती है लेफ्ट और काउंटर क्लॉकवाइज हो जाती है राइट। ये हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो जरा ध्यान से देखिए क्या बोला गया कि डी इज टू द राइट ऑफ सी। डी जो है वो सी के राइट में है, तो ध्यान से देखिए ये सी है, सी का राइट क्या है ये, तो यानी कि डी होगा इस पोजीशन में। आपको समझ में आया, डी इज टू द राइट ऑफ सी, सी के राइट में क्या है, सी के राइट में डी है। तो अगर सी हम यहां पर पहले प्लॉट कर चुके थे और सी के राइट में ये पोजीशन है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर डी होगा। देखिए हम लोगों ने तीन पोजीशंस प्लॉट कर ली, अब ए की पोजीशन बची है और ए की व्यक्ति बचा है, कौन सा व्यक्ति बचा है, बी बचा है, और यहां पर इंफॉर्मेशन भी दी गई है कि बी एंड डी आर पार्टनर्स। बी और डी क्या है, पार्टनर्स हैं, इसका मतलब बी और डी आमने सामने बैठे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है अब पोजीशन और क्लियर हो जाती है। बी एंड डी आर पार्टनर्स यानी कि डी के सामने कौन होगा, डी के सामने बी होगा। तो देखिए हमने चारों व्यक्तियों की पोजीशन को पता लगा लिया, तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार हमने पोजीशन को पता लगाया तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अरेंजमेंट बनाकर उसको एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं ताकि हमको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो क्रॉस चेक कीजिए जरा, ए बी सी डी
आर प्लेइंग कार्ड सिटिंग अराउंड द रेक्टेंगुलर टेबल. तो एबीसीडी कार्ड्स खेल रहे हैं और सिटिंग अराउंड द रेक्टेंगुलर टेबल. पर्सन आर सिटिंग एट द मिडल ऑफ ईच साइड. चारों के चारों व्यक्ति टेबल के साइड के मिडल में बैठे हैं. तो ऑब्वियस सी बात है डी ए बी सी टेबल के साइड के मिडल में ही बैठे हैं. ए एंड सी बी एंड डी आर पार्टनर. ए एंड सी एंड बी एंड डी पार्टनर्स हैं. पार्टनर्स का मतलब वो जो कि आमने सामने बैठे होते हैं. तो देखिए ए एंड सी बी एंड डी आर पार्टनर्स क्योंकि वो आमने सामने बैठे हुए हैं. आगे देखते हैं डी इज टू द राइट ऑफ सी. डी जो है वो सी के राइट में. ऑब्वियस सी बात है काउंटर क्लॉक वाइज डायरेक्शन राइट होती है. सो डी जो है सी के राइट में है. ये भी हमारा क्लियर है. नेक्स्ट द फेस ऑफ सी इज टूवर्ड्स वेस्ट. सी का जो फेस है वो वेस्ट की ओर है. तो सी का फेस कहाँ है वेस्ट की ओर. डायरेक्शन आप यहां से देख सकते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट. तो सी की डायरेक्शन वेस्ट की ओर है. इसका मतलब सारे की सारी कंडीशंस हमारी सेटिस्फाइड है. इसका मतलब हम लोगों ने जो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट बनाया है ये एकदम सही है. और एक बार आप रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट बना लेते हैं उसके बाद जितने भी क्वेश्चन है वो सॉल्व करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है. तो देखिए इसमें क्वेश्चन क्या गिवन है. क्वेश्चन है फाइंड द डायरेक्शन दैट डी इज फेसिंग. कि आपको वो डायरेक्शन बतानी है जिस डायरेक्शन में डी फेस कर रहा है. यानी कि डी का जो चेहरा है वो किस डायरेक्शन में है. यहां से देखिए बहुत इजी है. डी का चेहरा यहाँ डाउनवर्ड्स है. यानी कि कौन सी डायरेक्शन है साउथ. तो डी कौन सी डायरेक्शन को फेस कर रहा है. डी साउथ डायरेक्शन को फेस कर रहा है. ध्यान से देखिए ये डायरेक्शन क्या है साउथ. ये डायरेक्शन क्या है साउथ. तो हम लोग क्या लिख देंगे आंसर डी इज फेसिंग साउथ डायरेक्शन. डी इज फेसिंग साउथ डायरेक्शन. कि डी जो है वो साउथ डायरेक्शन को फेस कर रहा है. डी जो है वो साउथ डायरेक्शन को फेस कर रहा है. तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन के पैटर्न को यानी कि क्वेश्चन का जो अरेंजमेंट है सिटिंग अरेंजमेंट उसको इन्फॉर्मेशन के हिसाब से प्लॉट करते हैं बनाते हैं. और एक बार जब हमारा इन्फॉर्मेशन के हिसाब से अरेंजमेंट बन जाता है उसके बाद जो क्वेश्चन फॉलो करता है उस क्वेश्चन का हम लोग आंसर देते हैं. जैसे यहाँ पर हमसे पूछा गया था कि डी किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है. तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर हमको क्लियरली गिवन है. क्लियरली आप देख सकते हैं कि डी साउथ डायरेक्शन को फेस कर रहा है. तो ये है आपके रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट पर बेस्ड एक क्वेश्चन. आई होप सबको ये क्लियर होगा. ओके थैंक यू.